योगी सरकार के लाख प्रयासों के बाद भी बागपत पुलिस मंचलों पर शिकंजा कसने में नाकाम साबित ही हो रही है। तो जहां मंचलों से परेशान एक नाबालिग युवती की जान चली गई, मामला सिंहवली अहीर थाना क्षेत्र का है, जहां अपने नाना के यहां छुट्टियां बिताने आई युवती को पिछले कई दिनों से मंचले परेशान कर रहे थे और आज वे मृत अवस्था में परिजनों को मिली तो हड़कंप मच गया। परिजनों का आरोप है कि युवती के छेड़छाड़ का विरोध करने पर दोनों युवकों ने उसकी हत्या की घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मामले में आत्महत्या मानकर चल रही और अधिकारी मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही घटना का कारण स्पष्ट होने की बात कह रहे हैं। दरअसल मामला सिंहवली अहीर थाना क्षेत्र का है, जहां मेरठ जिले के मीरपुर गाँव की रहने वाली नाबालिग युवती अपने नाना के यहाँ छुट्टियां बिताने आई थी। परिजनों का आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले दो मंचले युवक उसे पिछले कई दिनों से परेशान कर रहे थे, उससे मिलने के लिए दबाव बना रहे थे और नहीं मिलने पर उसके भाई की हत्या तक की बात कर रहे थे। पड़ोसी लोगों का कहना है कि दोनों ही युवक उनके घर में घुसे हुए थे और पूरे परिवार को नशीला पदार्थ सुंघा कर युवती के साथ बेहोशी की हालत में छेड़छाड़ कर रहे थे। ग्रामीणों को देख दोनों ही युवक वहां से फरार हो गए। परिजनों का आरोप है कि उसकी हत्या की गई है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारण स्पष्ट कहने की बात कर रही। पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। क्या मामला हुआ? क्या मामला? ये लड़की अपने नाना के यहाँ आ रही थी तीन दिन से। लड़की को दो पड़ोस के गांव के लड़के थे, उन्होंने टॉर्चर कर दिया लड़की को। क्या ले तो हमारे से मिलने नहीं, तेरे भाई को मार देंगे, छोटे वाले को। तो लड़की इतनी घबरा गई अपने भैया के चक्कर में, प्यार के चक्कर में, तो वो उनने बुला लिया। उसके गैल कुछ कहवा सुनी, कुछ छेड़ा छाड़ी करी, लड़की इतनी हैरत खा गई, वो उसको ख़त्म होगी। मतलब आत्महत्या करी उन्होंने? मारी है उन्होंने, मारी जी, मार दी उन्होंने। हाँ जी। कितने लोग थे? दो जी। दो लोग थे? हाँ जी। कहाँ के थे? बीच पड़ी है। हाँ जी। तो पुलिस में शिकायत करी थी इसकी? पुलिस में शिकायत करी थी। अच्छा, क्या हुआ पुलिस में? अब पुलिस वाले ये बता रहे, कह लेगा हमने अरेस्ट कर लिए, अब ये जानकारी नहीं, जानकारी लेने के बाद पता लगेगा। दो लोग थे? दो लोग थे। लड़की की उम्र कितनी थी? लड़की की उम्र 15 साल। और वे कितनी उम्र के थे? 22 साल के। इसके बाद कोई गलत भी काम किया ये जानकारी नहीं, अभी पोस्टमार्टम के बाद पता लगेगा इस बात का। त्रिलोक सागर। अच्छा, त्रिलोक जी, मोलचरी भाई, एक लड़की की हत्या हुई है, क्या मामला हुआ, पूरा मामला बताओ। वो तकरीबन 12 बजे के आसपास में दो लड़के आए और मैं जब उस लोकेशन में पहुंचा, मैं और मेरे साथ दो तीन लड़के और थे, मेरे परिवार के भी और एक मोहल्ले का भी। तो एक लड़का बाहर था और एक अंदर था और वो लड़की के साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। दुकान है घर के बाहर के साइड में, उस हिस्से में, और घर के सारे आदमियों को उन्होंने बेहोश किया हुआ था, किसी चीज़ को सुंघा के, किसी चीज़ से कैसे किया। तो परिवार के तो अभी होश में है, लेकिन ये ओवरडोज में या कैसे क्या हुआ, ये लड़की अभी तक बेहोश थी और अब ये डेथ। तो पुलिस क्या कर रही है? पुलिस को सूचना दी? पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया है, अभी थाने जा रहे हैं उनको देखने के लिए क्या है कि क्या। लड़की थी रहने वाली है? लड़की थी जी, यादवपुर की। यादवपुर जी, और रह रहे थे अभी ये मीरपुर में। अच्छा। और ये मामा के यहाँ आए हुए थे, तो ये था जी। एक लड़की की हत्या हुई है सर, क्या मामला है? देखिए, ये थाना सिंघौली अहिर का प्रकरण है, यहाँ पे एक लड़की की डेथ हुई है। संभवतः जैसा कि अब तक प्रेमा पेशा ही पता चला है, उन्होंने सुसाइड किया है, कुछ पॉइजनस कुछ खा करके, कोई आइटम खा करके। इसकी पोस्टमार्टम में अभी इसकी पुष्टि होगी। उस लड़की के पास से हम लोग को एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, उसमें जो लड़की के फादर है उसके तरफ से एक तहरीर आई है, उसमें हम लोगों ने तहरीर को तत्काल FIR करने के बाद जो दो लड़के थे उनको हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया है। और अभी जो सुसाइड नोट मिला है उसमें हम लोग उसको पढ़ रहे हैं, और पढ़ने के बाद इसमें अगर और कोई दोषी भी पड़ता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सुसाइड नोट के में संभवतः कुछ प्रेम प्रसंग की बात इस तरह की आ रही है,
लेकिन अभी हम सभी तथ्यों को, हम किसी भी चीज़ को उस समय कह पाएंगे जब सभी तथ्यों की पुष्टि हो जाए। हाँ, इस तरह का संबंध कुछ तो है, इस तरह का संबंध अभी बाकी लोगों से बातचीत करने पे, छानबीन करने पे, अन्य साक्ष्यों को देखने से ऐसा लग रहा है कि उन लड़कों से जो भी अरेस्ट हुए उनसे कुछ संबंध थे, और सुसाइड नोट भी है, सुसाइड नोट में जो कुछ कंटेंट्स हैं उसके हिसाब से भी हम लोग को लग रहा है कि कुछ इस तरह की बात थी। लेकिन जब तक इन सभी चीज़ों की पुष्टि नहीं हो जाएगी हम लोग किसी चीज़ पर नहीं कर सकते। बहरहाल FIR करके हमने उन दोनों लड़कों को अरेस्ट कर लिया। थैंक यू।